गोरखपुर पुलिस महानगर वासियों के लिए कोविड काल में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ निर्धारित रेट से अधिक वसूली करने वाले हॉस्पिटलों, एम्बुलेंस के ज़्यादा किराया वसूलने वालों के खिलाफ पुलिस की सहायता चाहने वालों के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के निर्देश पर शहर के विभिन्न चौराहों पर बैनर पोस्टर लगाया गया है। पुलिस का नंबर डायल 112 और कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्लोगन के साथ पोस्टर लगाया गया है। वहीं 24 घंटे सड़कों पर दिखने वाली पीआरवी द्वारा घर से भटककर रात में मिली बच्ची को उसके परिवार से मिलाया गया तो एक घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया कि जनता की सहायता के लिए पुलिस 24 घंटे सक्रिय है और यही वजह है कि कोविड काल में चौराहों पर पोस्टर के माध्यम से पुलिस के हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिससे किसी को कोई कठिनाई ना हो। इसी के साथ पीआरवी द्वारा लगातार भटके हुए लोगों या घायल की सूचना पर तत्काल पहुंचकर कार्रवाई करते हैं। ऐसे पुलिस के जवानों को समय समय पर पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी ने बताया। देखिए, सरकार के द्वारा जो कालाबाजारी एवं जो निर्धारित रेट से ज़्यादा वसूली करने वाले हॉस्पिटल, एम्बुलेंसेस एवं अन्य जो सूचना कोविड महामारी से निपटने के लिए जो पुलिस की सहायता अनुसार सहायता के लिए जो मांग करने चाहते हैं तो उनको जागरूक करने के लिए, संबंधित नंबर्स को उनको उपलब्ध कराने के लिए ज़्यादातर ये पोस्टर्स और ये जो बैनर्स रखा गया है। मंशा ये है कि अगर कोई सूचना देना भी चाहता है तो उनके पास हमारे नंबर्स नहीं उपस्थित होते हैं, इसलिए उनको प्रचार प्रसार तो दिए। 24 घंटे कहीं सारे गुड वर्क हमारे द्वारा किए जा रहा है। जनरली पीआरवी फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, सूचना मिलते ही मौके पर जाते हैं और तत्काल उसके सूचना को संज्ञान लेते हुए तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। ऐसे जवानों को मेरे द्वारा समय पर पुरस्कार भी दिया जा रहा है, उनको मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है और उम्मीद ये करते हैं कि हमारे जवान और भी अच्छा काम करेंगे।